हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ्लानर श्रेणी दशम पिले। आज वीडियो रे तुम ज्यामितर गोटे पाठ जो वृत्तर जो स्पर्शक अध्याय अच्छी तार किसी इम्पोर्टाट प्रश्न उत्तर आम डिस्कस करवा स्पेशली ऑब्जेक्टिव रो जहाँ कि तुम 25/11/22 एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम ठीक अच्छे। आई प्रकार किसी सिलेक्टेड प्रश्न मत तुम देखा पाइब तो चलो अधिक डेरी करना आलोचना करवा आज क्लास को। तो देख पिले एक नंबर प्रश्न कौन कौन जो दुईट बहिस्पर्शी वृत्त प्रति सर्वाधिक केतोटी स्पर्शक अंकन कर तो ऑप्शन दी गोटे दुईट तीनो चार तो आंसर कौन आसो दुईट बहिस्पर्शी वृत्त अच्छे पे से सर्वाधिक केतोटा स्पर्शक अंकन करेंगे। मन रख पे गोटे समतल पर जितने दुईटा वृत्त रुहत से परिस्थिति किसी इमित प्रकार हो पार गोटे वृत्त एटी आ गोटे वृत्त एटी एक नंबर सिचुएसन दुई नंबर कौन ना इमित हुई पारे गोटे बिंदु का छेद करेंगे यहाँ दुई नंबर सिचुएसन हुए तो वृत्त इमित भी रही पारे यहाँ भी गोटे सिचुएसन तापर इमित मत रही पे मैंने यहाँ गोटे सिचुएसन आउ मत इमित मत रही पारे यहाँ मत गोटे सिचुएसन तो आ भर पे कहे दुईट बहिस्पर्शी वृत्त मीनस दुटा वृत्त इमित अच्छा जो बाहर गोटे बिंदु छेद करते यहाँ हूँ मानक पे स्पर्श बिंदुरा तो ये प्रकार वृत्तर पे सर्वाधिक केतटा स्पर्शक अंकन पार स्पर्शक अर्थ कौन पे ना गोटे रेखा जब गोटे वृत्त को केवल गोटे बिंदु आगे छेद करुच्छ गोटे वृत्त को गोटे रेखा जब गोटे बिंदु छेद करुच्छ तो आम स्पर्शक कहवा तो ये पे देख केतटा स्पर्शक अंकन हो पारे कही तो देख एक नंबर स्पर्शक यहाँ हूँ पे दुई नंबर स्पर्शक आउट हूँ तीन नंबर स्पर्शक देख यहाँ मत कौन कर दुटा जाक वृत्त को से गोटे बिंदु छेद करती एटा ए वृत्त को यही बिंदु ए वृत्त को यही बिंदु सी यही लाइनटा ए वृत्त को यही बिंदु और वृत्त को यही बिंदु तो पे देख एठारे केतटा स्पर्शक हो पारा ना गोटे जोड़े तीन टा टोटाल तीन टाक हो पारा आउ कौन अंकन संभव कि चेस्टा कर मो मत आउ किसी अंकन संभव ना तो आंसर आसो पे तीनो जब तुमको लगुच आउ किसी अंकन हो पार तो निहत रूप कमेंट बक्स में कमेंट कर पे गोटे वृत्तर व्यासार्ध 8 सेमी गोटे वृत्त पे व्यासार्ध के 8 सेमी यहाँ जब वृत्त हो पाने तरह केन्द्रबिंदु और यहाँ हूँ तरह व्यासार्ध यार दुईट समांतर स्पर्शक मेरे दूरता के दुईट समांतर स्पर्शक मीनस ये जो वृत्त अच्छे पे मैंने से कौन कहना ये गोटे स्पर्शक गोटे अंकन कराई ये गोटे स्पर्शक अंकन कराई आ दुई जगह स्पर्शक पे मैंने समांतर अटेंट मीनस किए कहक छेद करती ना तो से समय से पचार दुटा स्पर्शक मेरे दूरता के दूरता हम पे चिंता कर 4 ना 8 ना 12 ना 16 तो देख 4 8 12 16 कौटा आंसर हम से कही व्यासार्ध के 8 कही ये हूँ पे 8 तो के दूरता आसो देख पिले जेहतु जेहतु स्पर्शक दुटा परस्पर प्रति समांतर अटेंट आ वृत्तर केन्द्रबिंदु जब मुझे छेद बिंदु को ए प्रकार दुटा गारा टाणी जोटा कि दुटा व्यासद होगा तो जेहतु यहाँ 8 तो यहाँ मतलब कैसे हो पे मैंने 8 यहाँ मतलब 8 हम देख यहाँ 8 यहाँ 8 तो 8 8 ना 16 होगा अर्थात दुटा स्पर्शक मध्य दूरता के आसा ना 16 सेमी आसा तो ऑप्शन डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट गोटे वृत्तर व्यास 10 सेमी यहाँ हूँ पे गोटे वृत्त जार व्यास यहाँ हूँ व्यास 10 सेमी दे वृत्तर बहिस्त एक बिंदु वृत्त प्रति गोटे स्पर्शक गोटे स्पर्शक जार दर्घ्य हो 12 सेमी अर्थात पे मैंने ए प्रकार गोटे वृत्त अच्छी ओके ये गोटे बहिस्त बिंदु अच्छी बहिस्त बिंदु वृत्त प्रति जो गोटे रेखाखंड ड्र कराई तार दर्घ्य हो 12 सेमी यहाँ हूँ पे 12 सेमी आ वृत्तर व्यासार्ध के वृत्त देख व्यास 10 सेमी जब व्यास 10 सेमी तो व्यासार्ध कैसे हो पे यहाँ हूँ व्यासार्ध तो अटोमेट तरह अर्थात 5 हम तो यहाँ 5 देला यहाँ 12 देला तुमको पचार वृत्तर केन्द्र ठारू बोले यहाँ हूँ पे वृत्तर केन्द्र बिंदु ना कि वृत्तर केन्द्र बिंदु हूँ यहाँ वृत्तर केन्द्र बिंदु ठारू से ही बिंदु प्रति दूरता के मीनस यहाँ बाहर कर अच्छा पे देख यही वृत्तर गोटे समकोण त्रिभुज हम कि आंसर आसे येस गोटे समकोण अच्छे ना ये अच्छे समकोण मन रख गोटे वृत्तर जो बिंदु स्पर्शक थाए से बिंदु जब आम वृत्तर केन्द्र बिंदु प्रति जो दूरता टाणा जोटा कि रेखाखंड हम से अटोमेटिक 90 डिग्री अटे कत डिग्री अटे 90 डिग्री तो यहाँ हूँ 90 डिग्री यहाँ 5 यहाँ 12 यहाँ हूँ पे तरह कर्ण अटे तो आम एठार कौन कर पिथागोरस जो सूत्र अच्छी पिथागोरस सूत्र कौन ना कर्ण वर्ग इक्वल टू बाहुदेह वर्गर समष्टि तो से हिसाब से आर वर्ग बाहर करिए तार स्क्वेयर रूट नहीं जा तो नियो 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर तार स्क्वेयर रूट यहाँ से कौन 5 स्क्वेयर प्लस 25 12 स्क्वेयर 144 ओके तार स्क्वेयर रूट 144 आ 100 मैंने 25 और 144 मिसले कितना आसपे मैंने ना 169 आसो 169 वर्गमूल हो पे 13 तो सेठे से जो दर्घ्य के आसो मीनस ये जो वृत्त था जो बिंदु था से आमको यहाँ पचार ना यहाँ कैसे आसो आसो 13 आसो मीनस पे ऑप्शन ए आसो यही चित्र पे देख कौन देखिए गोटे वृत्त देखिए गोटे बाहर गोटे बिंदु देखिए यू गोटे स्पर्शक गोटे अंकन कराई यहाँ छेदक यहाँ स्पर्शक से पचार पे से कौन कही देख से कही एम अफ एक्स टी कही 80 डिग्री एम अफ एक्स टी अर्थ हो एक्स टी हूँ चाप ए चाप्र एम अफ एंगल एक्स टी अर्थ होता हूँ पे मैं वृत्तर केन्द्र बिंदु होती बोले ए कोणटा सी कही 80 डिग्री कही कहते 80 ओके तो तेज सी पचार एम अफ एंगल ए टी पी के हम ए टी पी अर्थ हो पे यहाँ
ए टी पी तो से हमको ए कोंडा पछाछ ए कोंडा केता होबो किंतु हम दिछि कोना ए कोंडा दिछि 80 ए तो केता होबले माने चिंता करो भाबड़ के देखो पले माने एटा वृत्तर केंद्रबिंदु मु माने एटा जोड देली एटा दिछि केते पले 80 ए मय पर लिख दउछि तो से हमको ए टी पी से हमको कोडा को कोंडा पछाछि ना हमको से ए कोंडा पछाछि बुझि परछो तो देखो पले माने ए दिरा पले माने दर्घ्य समान दर्घ्य समान हले पले माने तो कोण हो पले माने ए दिरा कोण र परिमाण मते समान आसीबो बुझि परछो ए कोंडा देला पले माने 80 देला के दिछि 80 दिछि तो ए दिरा कोण केते आसीबो तो निहात रूपे 180 र 80 फेटला पर आरोइबो केते ना 100 ए दिरा कोण मिसिकि 100 तो प्रत्येक कोण केते आसीबो ना 100 बाय 2 इक्वल आसीबो 50 तेतरा हम कोण जानि पले माने ना जानि पाइले जे एही कोण आ एही कोण ए दिरा कोण र परिमाण केते ना 50 50 एडा एडा 50 एडा 50 बुझि परलो एबे देखो पले माने कोण देखियो ना देखो एही कोण प्लस एही कोण प्लस एही कोण एति कोण मिसले केते ना आसीबो 180 जेहेतु माने गोटे बिंदु उपरे गोटे समतल उपरे गोटे बिंदु उपरे ए कोण गुडी अछन्ती तने माने 180 आसीबे एतिना कोण मिसले 180 ता भितर पिलाने ए कोणडा केते ना ए कोण आउछ 90 काई ना काई कि 90 ला जेहेतु देखो वृत्त केंद्र बिंदु को मु स्पर्शक प्रति गोटे रेखाखंड ड्र कली तो एटा 90 एटा भी 90 ऑटोमेटिक हबो से दृष्टि सेही दृष्टि रु पिला माने एपड कोणडा कोण हबो ना 90 हबो जदि एपड 90 हला एडा हला 50 ओके आ ए तीनटा कोण मिसिकि होछि 180 तो खाली ए कोणडा केते आसीबो ना 180 रु आ फेडिबा केते 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 फेडिबा 90 प्लस 50 रो समष्टि को फेडिबा तो 180 फेडा 140 180 रो 140 कर पिला ना 40 डिग्री तो पिला माने एही कोण रो आंसर आसला 40 डिग्री तो 40 डिग्री कर दिछि पिला माने ऑप्शन बी दिछि ऑप्शन बी हबो राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एही चित्र पिला माने दिछि पी क्यू रो दर्घ्य दिछि 8 आर क्यू रो दर्घ्य दिछि 10 से हमको पचारछि जदि गोटे एही जो पी बिंदु जदि गोटे स्पर्शक अंकन कर हबो ए स्पर्शक दर्घ्य केते आर दर्घ्य केते से हमको एटा बाहर करले कहि छी मन रख पिला माने जेतेबेले गोटे वृत्त थाउची आ गोटे बहिस्थक बिंदु जेतेबेले ए प्रकार लाइन आ ए प्रकार लाइन थाउची ओके एडा मन पी एडा टी एडा ए एडा बी तो पी टी स्क्वायर सूत्र कोन आछी पिला माने ना पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए गुणन पी बी एडा हो सूत्र मन रख त पी ए रे पी बी गुणले बुझि परछ ना पी ए रे पी बी जदि आमे गुणिया बेले आसीबो केते ना पी टी स्क्वायर आसीबो बुझि परलो त तमो कोन दिछि एडा दिछि एडो दिछि 8 एडो दिछि 10 तमको एडा बाहर करले कहिछि तो एडा एडा नाम मन देबि पी टी दे देबि ओके त आमे जानि छै जे कोन ना पी टी स्क्वायर इक्वल केते आसीबो ना आसीबो पी क्यू गुणन पी आर ना कि पी क्यू गुणन पी आर आसीबो किंतु पी क्यू केते पी क्यू तो होछ 8 पी आर केते देखो पी आर छै पूरा पता छै एडो एतिक होछ पिल माने 8 एडो एतिक 10 तो 10 8 केते आसी 18 18 को 8 गुणले केते आसी पिल माने 8 8 64 4 केला 6 8 8 14 44 आसीला तो पी टी रो स्क्वायर आसीला पिल माने 44 खाली पी टी केते आसीओ ना 44 वर्गमूल तो आसी प्लस और माइनस 12 आसीबो किंतु हम तो माइनस नेबा नेबा प्लस नेबा तो खाली 12 आसीओ तो खाली 12 कोड अछि ना ऑप्शन सी रे अछि त ऑप्शन सी हबो राइट आंसर ओके पिल माने तो पिल माने एही वीडियो रे एतिकी थाउ तुम पई किछि होमवर्क रखि छि पिल माने देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो पिल माने समस्त स्क्रीनशॉट नै जाओ और यार उत्तर पिल माने तुमे निज खाता रे करिकि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो देखो 7 नंबर प्रश्न स्क्रीनशॉट मार दियो तुम पर मते करिकि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो 8 नंबर प्रश्न सॉरी 8 नंबर प्रश्न आदि रॉयल ऑप्शन देखो एटा हो 8 नंबर प्रश्न एटा हो पिल माने 9 नंबर प्रश्न समस्त स्क्रीनशॉट मार दियो 9 नंबर प्रश्न एटा हो पिल माने 10 नंबर प्रश्न ए 500 नंबर पिल तुम होमवर्क रहा तुम निहत रूपे खाते करी कमेंट बक्स कमेंट कर ओके पे कार किसी साहय न नहीं तो पे आज भिडियो ये थाउ बाकी आम अनेक क्लास में पढ़ा तो पे जब भिडियो भल लगी तो निहत रूप गोटे लाइक कर सेयर कर और सब्सक्राइब कर ओके पे निजर समस्त बंधु बांधव निजर समस्त कलेग्स निजर समस्त सांग इनफर्म कर यूट्यूब्रे सार प्लान नामक एजुकेशन चैनल अच्छे जो समेटिव एसेसमेंट वन प्रिपेरेशन आरंभ अलरेडी हो सारी तो समस्त जॉइन हूँ ओके पे धन्यवाद।